आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे धनिये की। धनिया आप देखेंगे तो आप चटनी में भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं, घर पर रोजाना इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम इसके औषधीय फायदे ऐसे बताएंगे कि आप जानकर चौंक जाएंगे। तो सुन लीजिए इसके फायदे विस्तार से। ऐसे फायदे धनिया पहुंचाता है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी काम आते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम कमजोर होता है उन्हें धनिया की पत्तियों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। धनिया की पत्तियों को खाने से इंसान का नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। अगर जिनको भूलने की एक लास्ट कैटेगरी होती है, अल्जाइमर जैसी कोई समस्या है, तो आप धनिया की पत्तियों का सेवन कीजिए। आपका अल्जाइमर ठीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें फायदा जरूर मिलेगा। एलर्जी में दोस्तों ये बहुत लाभकारी है। धनिये की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये एलर्जी को शांत करने का एक अचूक उपाय है। ये एलर्जी के आम लक्षण जैसे पित्ती, खुजली और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसका उपयोग त्वचा पर करने के लिए सबसे पहले एक चम्मच धनिये में आधा चम्मच शहद मिला लें। इस चम्मच को अच्छे से मिक्स करें और प्रभावित क्षेत्र पर लगा लें और 10 मिनट के बाद इसे आप साफ कर लें। आपकी एलर्जी जहाँ जहाँ भी है वो खत्म हो जाएगी। गठिया में ये बहुत लाभकारी होता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और वो गठिया के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसका उपयोग करने के लिए आपको नारियल का तेल या फिर अपने मनपसंद लोशन के साथ आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर लेप तैयार करना है, फिर उसे जोड़ों पर लगाना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द ही फायदा होने लगा है। पेट में अगर गैस है तो आपको क्या करेंगे, धनिया की चाय का सेवन आप करेंगे। जिसके लिए आप कैसे बनाएंगे धनिया की चाय, 2 कप पानी में जीरा और धनिया डालेंगे, साथ में चाय पत्ती सौंफ डालकर कुछ देर पकाएं, उसके बाद इसमें शक्कर मिला लें। शक्कर की जगह आप शहद का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पथरी के इलाज में ये बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। देख लीजिए पथरी के इलाज में क्या करना है, धनिये के पत्तों को उबालकर छानकर उनका सेवन सुबह खाली पेट करना है। ऐसा करने से आपके पेट की पथरी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। गर्मियों में लू से बचने के लिए क्या करना है, लू लग जाने पर हरे धनियों को पीसकर उसका रस निकाल लें और उसमें चीनी डालकर उसका सेवन करें। रोज इसका सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। ऑर्थराइटिस अगर किसी को है तो ऑर्थराइटिस में धनिये के पानी का इस्तेमाल करें। आप रात को धनिया पाउडर भिगो दीजिए और सुबह छान कर उसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि आपको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम और दर्द है वो कम होने लगा है। दोस्तों ये घाव को भी भरते हैं क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जब भी हमारे शरीर पर कहीं चोट या घाव लग जाता है, इसका इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद साबित होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप अपनी चोट और घाव को जल्दी भर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।